नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आपके सामने रहा ऑल न्यू KTM RC 200। आपको बिल्कुल आपको ब्लैक कलर का मिलने वाला है। आप ये भी कह सकते हैं गाड़ी का ब्लैक एडिशन आप कह सकते हैं फुल्ली ब्लैक में मिलने वाली है। आपको एलो व्हील भी आप यहाँ पे चेंज किया गया, जैसे कि आपको का पैटर्न कलर जो आपको वहाँ पे देख पा रहे होंगे ना ऑरेंज कलर की, बट यहाँ पे सारे चीज़ें आपको ब्लैक कलर में मिलने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी का प्राइसिंग से। सो की बात करेंगे तो 221,344 रुपीज़ में ये गाड़ी मिल जाएगा। और आप कोलकाता में हैं और इस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे तो आपको ऑन रोड 259,834 रुपीज़ में ये गाड़ी आपको मिल जाएगा। बाकी डिफरेंट स्टेट में प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इस गाड़ी का इग्निशन से। जैसे गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, ये रहा इस गाड़ी का डिजिटल कंसोल, फुल्ली डिजिटल में मिलने वाली है। 5 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले मिलने वाली है। इसके ऊपर सबसे ऊपर आपको डिजिटल घड़ी मिलेगी, RPM मीटर मिलने वाला है, साइड स्टैंड आपको ऑन है तो ये दिखाई देगा, यहाँ पे इन्फो गियर इंडिकेटर यहाँ पे मिलने वाला है, ऑडोमीटर यहाँ पे नीचे आपको मिलने वाला है। और मैं आपको ABS का साइन, नीचे न्यूट्रल, ऊपर आपको इस वाले को इंजन वार्निंग का साइन दिखाई देगा। और इसके ऊपर साइड स्टैंड ऑन है तो आपको ये ब्लिंक करता हुआ आपको मिलने वाला है। इसके ऊपर नीचे का KTM का बेजिंग क्या हुआ मिलने वाली है, बटन मिलने वाला है, ये देख पा रहे हो। जैसे बटन को दबाएंगे तो ये देखो ट्रिप वन टाइमिंग मिलने वाली है और आपको एवरेज स्पीड क्या रहेगी सारे चीज़ें आपको यहाँ से, एवरेज फ्यूल कंजप्शन सारे चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली है। इस साइड में आएंगे तो आप लो बीम में आपको इंडिकेटर वाला बटन मिलने वाला है, नीचे आपको हॉर्न वाला, इसके ऊपर हाई बीम लो बीम। और इस साइड में आएंगे तो इंजन के लिंक बटन ऊपर और इसके नीचे पावर स्टार्ट, यहाँ पर आपको ओनली पावर स्टार्ट मिलेगा। और इसके ऊपर लाइट भी मिलने वाला है, दोनों साइड से सेम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फ्रंट वाला प्रोफाइल एक बार आपको दिखा दें, फ्रंट से अगर देखेंगे तो आपको फेयरिंग बिल्कुल बड़ा सा फेयरिंग यूज किया गया है। यहाँ पर एडजस्टेबल मिरर मिलेगी, बड़ा सा यहाँ पे विंड सीटर है ना आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में ना बड़ा सा मिलने वाली है। अगर रेसिंग बाइक है भाई तो ये विंड प्रोटेक्शन करता है। और दोनों साइड से दो पतली पतली DRL लाइट मिलेगी और LED वाली आपको साइड इंडिकेटर मिलने वाली है। हेडलैम्प जो आपको LED हेडलैम्प मिलेगा, एक बार मैं आपको पास लाइट वाला बटन दिखाता हूँ, ये रहा गाड़ी का रात में अगर विजिबिलिटी देखेंगे बहुत ही बढ़िया होने वाला है। KTM ने आपको पता होगा सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान देता है, बट डुअल चैनल ABS के साथ मिलेगा। अब फ्रंट वाले की बात करेंगे तो आपको 320mm की यहाँ पर डिस्प्ले प्लेट मिल रहा है और ये सस्पेंशन है 43mm की ऑफ साइड डाउन फोक का मिलने वाला है, जो आपको WP Apex साइड से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बिल्कुल ब्लैक कलर का मिलेगा, जो आपको पैटर्न कलर से आपको थोड़ा हटके बनाया गया, जैसे आपको पैटर्न कलर का ऑरेंज कलर है तो इसको हटा के आपको यहाँ पे ब्लैक कलर मिलने वाला है भाई। कोई लोग भी बोलते हैं कि यार इसका ऑरेंज कलर का एलो व्हील होता है ना तो मज़ा कुछ अलग आता है। ये बेस्ट क्वालिटी के MRF के साइड से टायर प्रोवाइड किया जा रहा है, 110 सेशन का मिलेगा, 110/70 रेडियल 17 इंच का यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। ऊपर वाला अगर आपको फेंडर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे डुअल कलर का मिलेगा, वैसे आगे से बिल्कुल ब्लैक कलर, पीछे से अगर मैट ब्लैक कलर के साथ आपको मिल। हॉर्न स्पीकर की बात करेंगे तो आप ये सिंगल आपको हॉर्न स्पीकर मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलने वाला है। ब्रेकिंग सिस्टम और टायर की बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे तो आपको 230mm की मिल रहा है, एलोविल ब्लैक कलर का मिलने वाला है। बेस्ट क्वालिटी की MRF के साइड से टायर प्रोवाइड किया जा रहा है, 150/60 रेडियल 17 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है। स्पेशल थैंक्स टू KTM BT रोड जो कोलकाता की अगर पड़ा में इनका शोरूम है। बाकी अगर आप कोलकाता में रहते हैं या नियर बाई कोलकाता में है तो ये शोरूम विजिट कर सकते हैं। बाकी मोबाइल नंबर और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस साइड में टायर हगर मिलेगा और उसके ऊपर आपको ये KTM का ब्रांडिंग किया हुआ मिलने वाला है और ये आपको स्ट्रॉन्ग फाइबर यूज किया गया है। और इसके ऊपर भी यहाँ से अगर हल्का फुल्का एक मड गार्ड भी यूज किया गया और WP Apex के साइड से मोनो सस्पेंशन मिल रहा है। इस वाले आपको पिलियन फुटपैड की बात करेंगे तो आपको रबर का मिल रहा है राइडर फुटपैड, ये आपको फ्लेक्सिबल टाइप का मिल रहा है, ब्लैक लीवर कुछ आपको इस टाइप का मिलेगा। और यहाँ पे भी एक बार आपको प्रोटेक्शन दिया गया, जैसे कि वो पैर वगैरह ना अंदर ना चले जाए तो इसको आधार करते हुए यहाँ पे एक मिलने वाला है। आपके टाइप का साड़ी गार्ड मिलेगा जो आपको स्प्लिट वाले मिलने वाले, ऊपर आपको नीचे वाले, जैसे आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहा है ये आपको, जो व्हील के अंदर कोई आपको अगर लेडीज वगैरह बैठते हैं ना कोई दुपट्टा टाइप का या साड़ी वगैरह अंदर ना जाने के लिए। जस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलेगा, तो चलिए इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट भी एक बार आपको सुनाते हैं। जो प्रोफाइल आपको दिखने में बड़ी मतलब क्या ना आपको प्रीमियम लगने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर देखो एक टेलम जो आपको बीच में का DRL टाइप का मिलने वाली है और दोनों साइड से आपको ब्लिंक और जो आपको LED का मिलेगा, नंबर प्लेट लाइट भी मिलेगा और इस वाले पर्सन में आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाली है। और दोनों साइड से आपको रेडी टू रेस करके नीचे है ना, जो साइड पैनल के नीचे आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर फिर मैट ब्लैक कलर के साथ दोनों साइड से आपको ये मिलने वाली है। सीट की बात करेंगे तो आपको स्प्लिट
सेट मिलेगा और इसके ऊपर आरसी का भी ब्रांडिंग किया हुआ मिलेगा। सूट कोशनिंग की बात करेंगे तो आपको इतना सॉफ्ट नहीं, हार्ड भी नहीं कह सकते, मीडियम साइज का आपको मिलने वाला है। सेट हाइट की बात करेंगे तो 835 mm की यहाँ पे आपको मिल रहा है। टोटल कर्व वेट की बात करेंगे तो 160 kg की ये गाड़ी मिलेगी। बाकी इसका अगर ग्रैब हैंडल देखेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट वाली ग्रैब हैंडल मिलने वाली है और ये मैट फिनिशिंग के साथ आपको मिलने वाला है। और अगर अब बात करते हैं इस गाड़ी का लुक और डिजाइन, लुक वाइज देखेंगे ना इस बहुत ही प्रीमियम लगता हुआ आपको मिलने वाली है। सबसे पहले इसका जो फ्रंट वाला आपको फेयरिंग है ना भाई, यहाँ पे देखो आरसी नीचे 200 ऑरेंज कलर का बेजिंग के साथ मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पे रेडी टू रेस्ट करके ये भी इमेजिंग क्या हुआ मिलेगा। ये बिल्कुल फाइबर का मिलने वाला है। इसके ऊपर आरसी करके वाइट कलर का आपको डिकल मिलने वाली है। ऊपर से अगर देखेंगे तो इसका फिनिशिंग है ना भाई, बहुत ही बढ़िया किया गया, शानदार आप कह सकते हैं। होल्टिंग के ऊपर ऑनली आपको KTM का एक स्टिकरिंग किया गया भाई। यहाँ पे अगर 3D टाइप का लोगो टाइप का हो जाता ना तो मज़ा कुछ अलग आ जाता। और ये जहाँ होल्टिंग आपको दो पार्ट में मिलेगा, आप आगे से अगर देखेंगे तो ये आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैट ब्लैक कलर का यूज किया गया है। एंटी सपोर्टेड 13.7 लीटर की होल्टिंग मिलने वाली है। और टॉप स्पीड की बात करेंगे तो 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये गाड़ी दौड़ सकता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी का इंजन। इंजन से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आपको स्विंग आर्म जो है ना, बॉक्स पैटर्न का स्विंग आर्म मिलने वाली है। इसके ऊपर आपको ये जो आपको फाइबर वाला इतना मजबूती नहीं है जो मेरे को लग रहा है, बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे आपको 199.5 cc की सिंगल सिलेंडर लिक्विड कोल्ड DOHC इंजन मिलेगी जो कि पावर प्रोड्यूस करता है नियर अबाउट 25 PHP की पावर मिल जाएगा। टॉर्क की बात करेंगे तो 19.2 Nm की यहाँ पे आपको टॉर्क मिलेगा। 6 स्पीड गियर मिलेगा, एक आगे 5 आप पीछे कर सकते हैं। सिंगल स्टैंड मिलने वाली है जो आपको साइड स्टैंड ओनली मिलेगा और सेंटर स्टैंड यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। 56 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। इस गाड़ी का माइलेज के ऊपर अगर बात करेंगे तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इस गाड़ी को कैसा मेंटेन कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सर्विस दे रहे नहीं रहे। इन एवरेज आपको सिटी और हाईवे में 30 से लेकर 35 तक आराम से मिल जाएगा। आप लोगों को KTM RC 200 का ये जो आपको ब्लैक एडिशन का रिव्यू कैसा लगा डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे। बाकी थैंक यू आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। वक्त आ चुका है आपसे अलविदा लेने के लिए, फिर वापस आएंगे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।